हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एरिना। गाइस, टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंकिंग और एनी अदर एग्जाम कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताऊंगा इंक्लूड विद हिंदी मीनिंग्स के साथ और उनके एग्जांपल्स देके भी। आप कोई भी एग्जाम देंगे सीजीएल या बैंकिंग का तो वहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वैसे भी आपको फ्रेजल वर्ब पता होने चाहिए अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि आजकल तो जनरल टॉपिंग या फिर कुछ लिखना हो या स्पीकिंग हो उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है आपका फ्रेजल वर्ब का। तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है फ्रेजल वर्ब में, वो प्रीपोजिशन कर लेते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट टू फ्रेजल वर्ब उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसमें मैं आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो दोस्तों, फ्रेजल वर्ब एक क्लोज या फ्रेज बोल सकते हैं जो कि प्रीपोजिशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को ऐड करके बनता है। पहले कोई वर्ब होता है और उसके बाद में आपका कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है, तो वो दोनों मिल करके जो बनता है उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और इनका जो मीनिंग है हर वर्ब के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन अगर मैं रन के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन लगा दूँ तो इसका मीनिंग अलग होगा। अगर मैं रन के बाद ओवर प्रीपोजिशन लगा दूँ इसका मीनिंग अलग होगा। अगर मैं रन शॉर्ट लगा दूं तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो इनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को याद करने में। ठीक है, समझ में नहीं आता है कि कौन से वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशंस लगेगा जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, और कॉमन एरर में तो बहुत दिक्कत होती है, इसे पहचान नहीं पाते जल्दी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको इसे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बता सकते हैं क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर स्टडी ग्रुप्स, इन योर स्टडी ग्रुप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो फ्रेजल वर्ब है ये है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी कारण का जवाब बताना, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। आप कई जगह इसे जवाबदेही भी सुनेंगे, जवाबदेही होना। ठीक है, आपको बताना है कि आपकी वजह से ये हुआ है, क्यों हुआ है। आई हैड टू अकाउंट फॉर एवरी पेनी आई स्पेंट, यानी कि मुझे जवाब देना पड़ता है उस सिंगल पैसे का जो मैं खर्च करता हूँ। हर पैसे का जवाब देना पड़ता है, अकाउंट फॉर, जवाबदेही, लाइबिलिटी फॉर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है कि कार्य के रूप में परिवर्तित करना। किसी भी, जैसे हमारा कोई इमोशन होता है, हमें गुस्सा आ जाता है मान लीजिए, तो हम किसी पे सडन अटैक कर देते हैं, तो हम अपने जो हमारा जो इमोशन है उसको एक्ट आउट कर रहे हैं, यानी अपने काम को बाहर निकाल रहे हैं, सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। द एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज एक्टिंग आउट हिज फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी बाय ओवरिंग ओवरली एग्रेसिव। ठीक है, अपनी जो इन्फीरियोरिटी था उसको एक्ट आउट कर रहा था फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर। नेक्स्ट है हमारा एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। नॉर्मली जैसा व्यवहार आप करते हैं उससे हटकर अगर आप डिफरेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्ट अप। ये थोड़ा आपने कम सुना होगा और हो सकता है आपको जल्दी याद ना हो, पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम में आता है और पूछा जा चुका है सीजीएल में। एक्ट अप का मतलब होता है अनुचित या अभद्र व्यवहार। इंग्लिश एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ़ ए पर्सन स्पेशली ए चाइल्ड एक्ट्स अप दे बिहेव बैडली। ठीक है, मैंने आपको एक्ट्स अप की पूरी डेफिनेशन बता दी, यहाँ पे उम्मीद है आपको याद रहेगा। दोस्तों देखिए, वैसे फ्रेजल वर्ब कोई, अगर मैं आपको बताऊँ रफली, अगर आप सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 250 to 300 हैं आपको ये याद करना होता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप फिर, आपको इंग्लिश में ना ही प्रीलियम्स में दिक्कत होती है ना ही मेंस में होती है। अब इस 300 में से 100 तो ऐसे होंगे जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको साथ के साथ याद करवाता भी जाऊंगा। इसके बाद बाकी 100 होते हैं जो आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देते हैं, बाकी 100 होते हैं थोड़ा बहुत याद करते हैं, आपको याद हो जाता है। तो पैनिक नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे साथ बने रहना है, मैं आपको सारा फ्रेजल वर्ब याद करवा दूंगा। इसके अलावा मैंने फ्रेजल वर्ब पे क्विजेस भी दिए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और
आई बॉल पे भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा और लास्ट में भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप लोग उसे देखिएगा और अपने क्विजेस से अपने फ्रेजल वर्ब को स्ट्रॉन्ग करिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। इसका मतलब होता है किसी के सुझाव पर कार्य करना, टू टेक एक्शन ऑन इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ओके टू फील एंग्री और जेलस, बट यू मस्ट नॉट एक्ट ऑन दोज फीलिंग्स। एक्ट ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज पर कार्य करना। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबडी, किसी की जगह पे कोई कार्य करना। जैसे द काउंसिल ऑफ मॉर्टेज, द काउंसिल ऑफ मॉर्टगेज लैंडर्स क्लेम्स टू एक्ट फॉर 98% ऑफ लैंडर्स। जैसे मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप, जैसे कि कई बार होता है ना कि ड्राइवर जो होता है वो काम पर नहीं जाता, तो उसकी जगह फिर क्या होता है, वो अपने भाई को या किसी दोस्त को एक दिन भेज देता है, तो उसे कहते हैं एक्ट फॉर। आप जितना इजी में याद करेंगे उतना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एक्ट एज भी एक तरीके से एक्ट फॉर ही होता है, किसी के रूप में कार्य करना। यू स्पीक चाइनीज, विल यू एक्ट एज इंटरप्रेटर, बॉडी एक्ट एज इंस्ट्रक्टर। यानी कि आप चाइनीज बोलते हैं, क्या आप इंटरप्रेटर का काम करोगे। इंटरप्रेटर बोलते हैं वो जो ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का मतलब होता है पुट इन टू प्रैक्टिस, व्यवहार में लाना। ही हैज़ एक्टेड अप टू हिज एंगेजमेंट टू हिज एडवांटेज। मतलब उसने अपने जो एंगेजमेंट सम्मिल जो उसको शामिल था काम में, उसको अपने एडवांटेज के रूप में यूज़ किया। एक्ट अप टू, व्यवहार में लाना। हालांकि ये इतना ईजी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में वैसे अभी तक देखने को भी नहीं मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। एड अप, एड अप का मतलब होता है सम अप करना, या फिर किसी को जैसे कि अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके इकट्ठा करना, आप उसे बोल सकते हैं एड अप। देखिए, टू ज्वाइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज और क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बिजनेस एक्सपेंसेस एड अप टू अराउंड $5,000 ए ईयर। यानी एड अप का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या इंक्रीज करना। आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब भी होता है जवाबदेही देना, ठीक है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू हैव टू आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम दैट हैपन ड्यूरिंग द शो। यानी शो के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी जवाबदेही आपको है, आप यू हैव टू आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम्स। देखिए, आर्ग्यू अवे, अवे एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है दूर होना। अवे का ज़्यादातर मोर देन 99% यूज़ होता है, दूर जाने से ही संबंधित होता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब में। तो आर्ग्यू अवे का मतलब होता है गेट रिड ऑफ बाय आर्ग्यूमेंट और बाय गिविंग रीजंस, बहस द्वारा छुटकारा पाना। आर्ग्यू अवे द फैक्ट दैट ही हैड नॉट कैप्ट हिज प्रोमिसज। आर्ग्यू अवे में मतलब आप छुटकारा पा लो कि उसने अपनी प्रोमिसज को पूरा नहीं किया है, ठीक है। आर्ग्यू अगेंस्ट, अगेंस्ट जैसे अवे मैंने अभी आपको बताया, अवे का मतलब होता है कि दूर रहना। तो अगेंस्ट भी ज़्यादातर यूज़ किसी के अपोजिट जाने में, बहस करने में, कन्फ्लिक्ट करने में शो करता है। तो आर्ग्यू अगेंस्ट का मतलब होता है टू डिस्कस इन अपोजिशन, विरुद्ध बहस करना। माय अंकल इज़ एन आर्डेंट लिबरल एंड आर्ग्यूज अगेंस्ट माय मदर्स कंजर्वेटिव बिलीव्स एवरी टाइम दे आर टुगेदर। जब भी दोनों एक साथ रहते हैं, मेरे अंकल मेरे मॉम के जो कंजर्वेटिव बिलीफ होते हैं यानी कि रूढ़िवादिता जो होते हैं, उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। तो आर्ग्यू अगेंस्ट का मतलब होता है बहस करना। नेक्स्ट है हमारा आस्क फॉर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को मांगना, डिमांड फॉर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे, डिमांड फॉर। आप ये भी याद रखिएगा, आस्क फॉर इज इक्वल टू डिमांड फॉर किसी चीज़ को मांगना, चाहे वो हेल्प की बात हो रही हो या किसी और चीज़ की बात हो रही हो। आस्क आफ्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है किसी की सेहत के बारे में पूछना, ठीक है। आस्क आफ्टर मतलब टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ, आस्क आफ्टर। आस्क अबाउट का मतलब टू इंक्वायर समथिंग, किसी वस्तु के बारे में पूछना। अभी मैंने आपको बताया था आस्क आफ्टर ये था किसी व्यक्ति के सेहत के बारे में पूछना, लेकिन आस्क अबाउट आप किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हो। नेक्स्ट है अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना। टू अप्लाई वन सेल्फ, प्लीज टेक ए सीट एंड आई विल आस्क टू समवन
टू अटेंड यू, मैं देखता हूँ कि मैंने अटेंड ऑन, हाँ अटेंड ऑन भी है यहाँ पे। जरा देखिए, अटेंड टू का मतलब होता है कि ध्यान देना किसी काम पर, लेकिन अटेंड ऑन का मतलब होता है किसी को सर्व करना। जैसे वेटर आता है होटल में सर्व करने, नर्स घर में आती हैं पेशेंट को सर्व करने के लिए, तो ड्यूटी ड्यूटी के लिए आप अटेंड ऑन का यूज़ करेंगे। और आपको मैं बताता हूँ कि अटेंड टू तो एग्ज़ाम में अभी तक नहीं देखा गया है, बहुत ही रेयर चांस है कि अटेंड टू आए, लेकिन अटेंड टू आने के चांसेस मोर देन 90% होते हैं। ठीक है, तो अटेंड के बाद प्रीपोजिशन ऑन लगेगा अगर वहाँ पर बात हो रही हो ड्यूटी की, तो ठीक है याद रखिएगा आप लोग अटेंड ऑन। तो दोस्तों ए से रिलेटेड जो थे मैंने वो करवा दिए हैं, इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट जो बी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा मैं वो भी करवाऊंगा, और साथ ही में इसके अलावा भी मैं क्विजेस आपको देता रहता हूँ फ्रेजल वर्ब्स के। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स के क्विजेस है, द बुक इज़ डैश रुपीज़ 100। इसके अलावा मैंने टाइलर प्राइज ईडीएम एंड फ्रेजेज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पेटा जो अभी पर्सन मिला था ये एग्ज़ाम में बहुत एग्ज़ाम में पूछता है पेटा जो करंट अफेयर है। इसके अलावा आप देखिए CHSL 2018 टीयर वन में जितने भी पूछे गए थे ईडियम फ्रेजेस सेनोनियम एंटोनियम सारा मैंने आपको करवाया हुआ है, और इसके बाद जो अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट है मैं ये भी आपको करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए SSC अरिना को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।